देखो आज का हमारा टॉपिक होगा कंसियसनेस। कंसियसनेस जरा कोई बताएगा व्हाट डज दिस मीन कंसियसनेस? कंसियसनेस इसका मतलब क्या होता है? बोलो कोई कुछ बोलना चाह रहा है? टू बी अवेयर विद द सराउंडिंग, ठीक है, अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होना, सराउंडिंग के बारे में अवेयर होना, इसको बोलते हैं कंसियसनेस। देखो कंसियसनेस हर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, भले ही आपके पास, जैसे आपको लगता होगा कि सर मेरे पास तो दिमाग है, नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है, हम सेंस कर सकते हैं, हमारे पास सेंस ऑर्गेन है, हम सेंस कर सकते हैं कि अभी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, हम सेंस कर सकते हैं कि हवा तेजी से बह रहा है या धीरे बह रहा है, तो वी कैन सेंस विथ आवर सेंस ऑर्गन, बट इट इज नॉट लाइक दैट। सेंस ऑर्गन नहीं होने के बावजूद भी ऑर्गेनिजम्स कंसियसनेस शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बहुत सारा बैक्टीरिया है, ठीक है, उन बैक्टीरिया को अपने पूरा पार्टी दे रखा है, ठीक है, पार्टी, अभी इनको पार्टी मिला तो ये क्या करेगा? ग्रो करेगा। और अगर बैक्टीरिया के केस में हम ग्रोथ का बात करें तो इसके साथ एक और वर्ड हमेशा एसोसिएटेड और जुड़ा रहेगा, बताओ जरा कौन सा वर्ड? डिवाइड, रिप्रोडक्शन। डिवाइड नहीं बोलेंगे, रिप्रोडक्शन, है ना। एक लाइन बोले थे, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, कोई कंप्लीट कर सकता है इसको? सिनोनिमस। सिनोनिमस ठीक है। और कुछ सिनोनिमस ये भी सही है, और कुछ वर्ड और कुछ से कंप्लीट करो इसको? सिमिलर। अरे ये तो सेम ही बात हुआ, म्यूचुअली इंक्लूसिव टर्म्स, याद आ रहा है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव टर्म्स, ऐसा बोले थे? म्यूचुअली इंक्लूसिव टर्म्स ऐसा कुछ बोले थे या नहीं बोले थे? सिनोनिमस तो बोले ही थे, इसके अलावा पूछ रहे हैं, ये बोले थे नहीं? नहीं नहीं, तो एक काम करो, जहां ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पढ़े थे उनमें से ये चीज ऐड कर लो। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो फाइनली आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन रखना है, उस दिन आप सेमिनार से भी यही चीज सीखे, एनसीईआरटी ही पूछेगा आपको हर एक वर्ड, या अभी जो हम लाइन बोले एक्चुअली एनसीईआरटी का लाइन है, हूबहू हमको याद है, आपको भी ऐसे ही याद रखना है हर एक लाइन बायोलॉजी में, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइन क्या था? ग्रोथ लिख दे रहा हूं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, ये उधर लिखना है, कंसियसनेस का नहीं है, आर ग्रोथ का है, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन दोनों में से कहीं लिख सकते हो, आर म्यूचुअली इनक्लूसिव इवेंट, इनक्लूसिव दोनों एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, और उसी तरह उसका जस्ट वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना। ये दोनों लाइन आप नोट कर लीजिए। आयशा तुम पुराना लेक्चर देखी है? नहीं देखी? यस सर देख लिया पूरा ना। तब तो सब पूरा नोट तुम्हारे पास बना हुआ होगा सर? अभी बुक मतलब ले ली है बट पापा अभी बाहर रखे। बुक का हम बात नहीं कर रहे, नोट्स तो तुमको कॉपी में लिखना होगा ना, ये सब तुमको कॉपी में लिखना होगा, हम कॉपी का बात कर रहे हैं। ओके सर, सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा नहीं तो कंप्लीट कर लेना, पीछे रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो ये अब बैक्टीरिया का पार्टी हो गया भाई, ये तो ग्रो करेगा, लेकिन हम एक गेम खेल दिए बैक्टीरिया के साथ, धोखा हो गया। यहाँ पे पेनिसिलिन डाल दी, पेनिसिलिन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, क्या है ये? फंगी, है?
पेनिसिलिन कोई नहीं जानते, फंगी। हाँ बोल गए सर, हाँ सर फंगी फंगी दवा सोच लिए सर। हाँ तो सही क्या है जो सोचे थे या जो बोल रहे हो? फंगी। साजन से पूछ रहे हैं, साजन फंगी है सर। फंगी, क्या बात है, जो सोचे थे वो सही था, ये एक एंटीबायोटिक है। पिल्स है सर, ठीक है, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। जो फंगस है उसका नाम है पेनिसिलियम, उसका नाम है पेनिसिलियम। ये जो पेनिसिलिन है ना, ये एक फंगस से मिलता है हमको, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिसिलियम, और उसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिलियम फंगस नोट एटम। तुमको छापने कौन बोला था उसका दिन बात? छापे नहीं दे, नहीं नहीं ये भी छापना ही हुआ, मारने वाली दो। ठीक है, हम जब बोले ना हमको लगा कि इंसान खत्म हो जाएगा उससे ऐसे तो। अच्छा ठीक है, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक मिलता है हमको किससे? एक फंगस से। याद रखिएगा, इट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। कौन ढूंढे थे इसको? तुमको सही में ये सब नहीं पता था? ये तो एट्थ में भी बच्चा पढ़ता है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, जिसको कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ढूंढे थे सर। सिर्फ पास होने पर पढ़े थे सर बायो। ठीक, हमारे टीचर इतने स्मार्ट नहीं थे, और सर इतना गहराई में भी नहीं लेकर गए। नहीं नहीं डूबना नहीं, डूबना नहीं, इतना गहरा नहीं जाना है कि डूब गए नॉलेज में। खैर, तो ये पेनिसिलिन वाज द एंटीबायोटिक, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। खास बात याद रखिएगा, इस एंटीबायोटिक की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लोगों का जान बचा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी सोल्जर्स जख्मी हो रहे थे, जो भी जिनको भी कुछ चोटें आ रही थी, उन सब के लिए इंजरीज को हील करने में पेनिसिलिन का बहुत बड़ा रोल था। जो उस वक्त नहीं पता था वो बात ये था कि पेनिसिलिन के लिए ह्यूमन का ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन को एलर्जी है। 90% पॉपुलेशन को एलर्जी है पेनिसिलिन से, मतलब अगर हम पेनिसिलिन दे दें तो 90% चांस है कि तुम एलर्जी से मर जाओगे। मतलब सोचने वाला बात यह कि उस वक्त सारे सैनिक पे इसको यूज कर रहे थे पेनिसिलिन को, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। जो सोचो, जो बचा वो सिर्फ 10% ही बचा, 90% तो बेचारा बैक्टीरिया से नहीं मरा, पेनिसिलिन से मर गया, समझे बात? तो पेनिसिलिन के बारे में इतना बात याद रखिएगा, ये सब जो भी रेड में लिखे वो इम्पोर्टेंट है, जो भी रेड में लिखा हुआ इम्पोर्टेंट है। पेनिसिलिन किससे मिलता है? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन है क्या? एंटीबायोटिक। खास बात, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था। कौन ढूंढे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अब मेरा जो सवाल है वो सुनो, ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का जरा कोई संधि विच्छेद करेगा हिंदी में बोले तो? अच्छा, बताओ बताओ, जो बैक्टीरिया को मारता है। अरे अभी संधि विच्छेद करना था, तुम लोग का हिंदी बोल रहे हो। एंटी प्लस बायोटिक, एंटी मींस अगेंस्ट, रेजिस्टेंस, कौन सना बोल रही है? Against, against. Biotic, मतलब biomix, nature, against life. Against life मतलब ये life के against. बस खास बात ये याद रखना ना कि हमारे life के against नहीं है. Microorganism, life against the life of microorganism और bacteria जो भी body में. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो सब टिक्का मतलब organism है कि हम bacteria वगैरह. वापस बोलो. वो जो बायोटिक है सर, वो तो बायो मींस लाइफ हो गया सर, और टिक मतलब बैक्टीरिया वगैरह सब हो गया सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, बायोटिक हर लिविंग चीज को बोलते हैं, टिक मतलब बैक्टीरिया नहीं होता है। ऐसा होता है सर, हम लोग के लिए भी, हम लोग भी तो लिविंग बीइंग है ना सर। हाँ बिल्कुल, नाम चेंज करना चाहिए। वही तो बात है ना कि ये अभी तभी तो समझाया कि अगेंस्ट लाइफ भले इसका मतलब है, बट ये हमारे लिए प्रो लाइफ है, हमारे लाइफ को बचाता है, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ को किल करता है। खैर खास बात सुनो, अब अगर हम इस बैक्टीरिया को यहाँ ग्रो कराएंगे तो बैक्टीरिया के पेनिसिलिन के आसपास भी जाएगा? नहीं, यहाँ पूरा होगा,
और जैसे जैसे तुम इधर जाओगे उसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा और यहाँ तो मिलेगा ही, समझ रहे हो बात? समझे? तो इसका मतलब क्या, इस बैक्टीरिया को जरूर किसी न किसी तरीके से पता चल रहा है कि यहाँ कुछ तो है जो मेरे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वहां बैक्टीरिया मरने लगेगा, उसको सफोकेशन होगा, है ना? मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया जिसके पास एक सेल अच्छे से नहीं है, वो तो प्रोकैरियोट है, उसके पास तो न्यूक्लियस तक सही से नहीं है, वो भी अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकता है। मतलब कॉन्शियसनेस प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जैसे ही ये बात बोले कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो क्या बोलेंगे, इट इज वनली फीचर ऑफ लाइफ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ, इसके बैकग्राउंड आवाज अरे पता ही नहीं चल रहा, फरहान की तरफ से था। फरहान आज नेटवर्क तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, म्यूट ही रहो, बोलना हो तभी बस ऑन करना। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ, ये लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये वाला तो लिख लिए थे ना सब लोग? Yes, मिटाए? ठीक, ठीक है। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पे फंसाने के लिए क्या यूज किया जाता है, दिमाग क्या लगाता है, नीट वाला वो बता रहे, वो बोलेगा सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखो ये फिर से फंसा दिया यार, कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है? कॉन्शियसनेस मींस ह्यूमन बीइंग होता है, कॉन्शियसनेस मींस टू बी अवेयर अबाउट सराउंडिंग, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस मींस टू बी अवेयर अबाउट आवर सेल्फ, अपने आप के बारे में अवेयर होना। जैसे मान लो हमको अपने आप के बारे में पता नहीं, अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे, ये हुआ अपने आप के बारे में अवेयर होना, जो सिर्फ ह्यूमन करता है। इसका मतलब होता है टू बी अवेयर अबाउट हिमसेल्फ या इटसेल्फ बोलते हैं, इटसेल्फ, अपने बारे में अवेयर रहना। एंड इसका खास बात क्या, वनली फाउंड इन ह्यूमन, ठीक है ह्यूमन। देखो तुम किसी जानवर को पाल सकते हो, दिन भर उसको खाना दो, शांति से कुछ रहेगा, बट किसी इंसान को नहीं पाल सकते, क्योंकि उसके अंदर एक हम भी होता है कि मेरा क्या। आप उसको दिन भर पाल रहे हो, खाना खिला रहे हो, लेकिन फिर भी वो खुश हो सकता नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ अपना होता है, वो अपने बारे में सोचता है ना। तुम जानवर के बारे में सोचे, जानवर तेरे बारे में सोचा, जानवर अपने बारे में नहीं सोच रहा है कि अगर हम खाना इसका। कई बार सुनते हो डॉग्स वॉग्स के बारे में कि सांप वाप आया मालिक के आसपास तो डॉग उस पर अटैक कर दिया, सांप उसको काटा और कुत्ता खुद ही मर गया लेकिन सांप को मार था, ऐसा बहुत सारा केस हम सुने, ऐसा होता है। मतलब कि वो डॉग सिर्फ उस स्नेक के बारे में सोच रहा था, अपने सराउंडिंग के बारे में, ये नहीं सोच रहा था इससे हम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अटैक करता ही। ये होता है कॉन्शियसनेस, इट इज कॉन्शियस अबाउट इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में क्या चेंज आ रहा है, क्या खतरनाक है वो ये जान रहा, बट उसके लिए क्या नुकसानदायक है ये वो नहीं जान रहा। हम होते तो नहीं जाते, हम मतलब ह्यूमन बीइंग का बात करें, अपना नहीं है, खुद में बहुत हिम्मत वाले जाते, ठीक है। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस के केस में, तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि हम लोग अपने सराउंडिंग के बारे में तो कॉन्शियस होते ही, साथ में खुद के लिए भी कॉन्शियस होते हैं, दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड इट इज ओनली, ऐसे बोलेंगे ओनली क्यों बोलते हैं, not a characteristic feature of life, it is not a characteristic feature of life, क्यों बोला ऐसा, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन में, ठीक है। क्या दिक्कत बताओ, जल्दी बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर, ठीक।
यहाँ पे एक और चीज आता है, देखो एनसीईआरटी के लेवल पे तो बात यहीं पे खत्म हो गया, बट अच्छा वापस से बोल रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक फीचर मतलब यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर भी बोल सकते थे, बट जब जैसे ही आप सीनियर लेवल पे बात करते हो थोड़ा सा कंपटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंसियसनेस का भी एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे आप इसके बारे में सुने ही होंगे, कोमा, क्या होता है कोमा, व्हाट इज कोमा? एक टाइप का सर नींद होता है, और नींद, नींद तो हम लोग भी डेली सोते हैं, तो हम लोग कोमा में होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जरूरी नहीं है, कोमा बहुत शॉर्ट टर्म का भी होता है, तो उसका दिमाग खराब होता है, ब्रेन रिएक्ट नहीं करता है आउटर स्टिमुलाई सर, इसमें कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। देखो हमारा ब्रेन ये एक्स्ट्रा है, लिखना मत, बहुत सारे लेवल पे काम करता है, बहुत सारे लेवल पे, एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस जो कि हम लोग अभी सोच समझ के जो कुछ भी कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। यस, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि जैसे नींद में सपना देख रहे हैं, ये सपना हमारे सब कॉन्शियस माइंड का खेल है, ठीक है। उस वक्त हम लोग सोच नहीं सकते, सपना में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है सपना में तुम उड़ते रहो, अब सपना में कुछ भी हो सकता है, वहां कॉन्शियसनेस या हमारा दिमाग कुछ नहीं कर रहा होता वो भी, लेकिन हाँ दिमाग का ही इमेजिनेशन होता है, ऐसा नहीं कि सपना यूं ही देख लेते हैं, दिमाग निकाल देंगे तो सपना देख सकते हैं ना, सपना देखने के लिए भी दिमाग चाहिए, हमारा ब्रेन का ये दूसरा लेवल है। और जो कोमा होता है ये इनएक्टिव स्टेज होता है ब्रेन का, इसको एक और नाम भी बोलते हैं, ब्रेंडेड, ब्रेंडेड क्या बोलते हैं ना, पेशेंट ब्रेंडेड है, ब्रेंडेड मतलब कि अब दिमाग एकदम काम ही नहीं कर रहा, मतलब ये नहीं देख सकता, नहीं, ये तीसरा स्टेज होता है। अब ब्रेंडेड होने का कारण क्या, ब्रेन का सेल्स एक साथ, या तो उसको कई बार ऑक्सीजन नहीं मिलता है इसलिए काम करना बंद कर दे रहा है, तो इसमें क्या होता है कि चांसेस होता है, हो सकता है कि वो कभी अचानक से काम करने लगे, हो सकता है कभी काम नहीं करे, मतलब कोमा के केस में आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि ये पेशेंट क्या कभी ठीक भी हो पाएगा या ठीक हो ही जाएगा, समझे, सालों साल कोमा पे कोई पर्सन रह सकता है, सालों साल। अच्छा सर, इसका अगर ब्रेन डेड है सर, तो बाकी सब जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो कैसे वर्क करेगा सर? हाँ ये गुड क्वेश्चन, इसमें क्या होता है ना, देखो जैसे मान लो उसका लंग सांस नहीं ले रहा है, उसका लंग हवा नहीं खींच रहा, या तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो हवा खींचता असल में लंग्स कभी नहीं है, कैसे होता है ब्रीदिंग, ये तो हम लोग ब्रीदिंग के चैप्टर में पढ़े हैं, या शायद जो लोग लाइफ प्रोसेस पढ़े होंगे हम वहाँ बताए थे कि सांस हम लोग खींचते नहीं, एक्चुअली में हम लोग लंग्स का स्पेस बढ़ाते हैं, प्रेशर कम होने की वजह से हवा ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है। Yes. अगर बताए तो ठीक है, तो शायद क्रैश कोर्स था, हो छूट गए होंगे, क्रैश कोर्स में से कोई काम नहीं एक्स्ट्रा है, बट याद रखना, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं सांस खींचने का, नॉर्मल जो भी तक आप जानते तो उस लेवल पे बात करें, तो सांस खींचने का, तो हम सांस खींच नहीं सकते, बल्कि मशीन के द्वारा जबरदस्ती सांस धकेला जाता है, समझे, तो सांस पहुंचा आपके लंग्स में, एयर पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन अगर पहुंच जाएगा तो डिफ्यूजन तो ऑटोमेटिकली होता है, डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, आप नाइन्थ में पढ़े है ना, ऐसे कोई आदमी जिंदा रहते, मतलब एक्चुअली में अगर उसको मशीन हटा दे तो जिंदा नहीं रहेगा, आप किडनी उसका जबरदस्ती काम करवा रहे हो, हार्ट में पेस मेकर लगा के आप जबरदस्ती काम करवा रहे हो, लंग्स में जबरदस्ती आप ऑक्सीजन फूंक रहे हो वेंटिलेटर पे डाल के, मतलब पूरे बॉडी को आप जिंदा रखते हो, बॉडी जिंदा रहता नहीं, समझे बात, जिंदा रहना और जिंदा रखना में डिफरेंस है, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, और इस केस में एक बायोलॉजिकल इथिक्स भी आता है, बायोलॉजिकल इथिक्स मतलब ये, जैसे मान लो अभी कोविड को लेकर बेड का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बेड ऑक्सीजन कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट है जो कोमा में है,
मतलब आपको नहीं पता कि ये बचेगा भी कि नहीं बचेगा, आपको नहीं पता, मान लो 2 साल 3 साल से कोमा में, ठीक है, 2 या 3 ईयर से ऑलमोस्ट कोमा में, ऐसा होता है। अब मान लो ये 3 साल से कोमा में है और आपके पास एक कोविड पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन चाहिए, आप किसको ऑक्सीजन दोगे? ये पेशेंट को पहले से आप ऑक्सीजन दिए हुए हो और इस पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, मिल नहीं रहा है, आपको चूज करना होगा कि आपको ऑक्सीजन किसको देना है, तो या तो आप इसको दे सकते हैं या इसको दे सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत कमी है। सर बायोलॉजिकल एथिक्स के हिसाब से पेशेंट जो ऑलरेडी 3 साल से कोमा में उसको दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसको ही दिया जाएगा, आप इसको नहीं दे सकते। एज अ डॉक्टर अगर आप इसका ऑक्सीजन निकाल कर इसको दे दिए तो आप पे मर्डर का चार्ज चलेगा, ऑक्सीजन आप नहीं हटा सकते इंडिया में। इंडिया में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल है, बट इंडियन एथिक्स ये बोलता है कि आप, जबकि देखो साइंस ये बोलता है कि यार आपको ये नहीं पता कि इसको ऑक्सीजन देंगे भी तो बचेगा कि नहीं बचेगा, ये कन्फर्म है कि आप ऑक्सीजन दोगे तो ये बच जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसका ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, यहीं पे हमारा एथिक्स आ जाता है बीच में। ये सब पढ़ना होता है एक्चुअली जब एमबीएस में रहोगे, तो एमबीबीएस में ये सब ईयर में पूरा एक चैप्टर ही होता है कॉलेज का, पहले तो सर रूल है ना, बहुत अजीब अजीब ये सब रूल है सारा, आपको लॉ याद रखना पड़ेगा तो पता चला कि कभी आप ही फंस गए, इसलिए सारा लॉ आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा कानून है, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, समझे ना बात को, इसको बायोलॉजिकल एथिक्स क्या होता है। यस सर, ऐसा ही ऐसा बहुत सारा एथिक्स है, इंडिया तो खैर बहुत सारे एथिक्स से बाहर आ गया। हम जब 12th में थे तो उस वक्त हमको याद है एमटीपी आप लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता, सुने थे, हाँ सर सुने थे, तो साथ ट्राई, कोई नहीं जानते हो एमटीपी? एम का नहीं याद आ रहा है सर, मेडिकल टर्मिनेशन, एबॉर्शन सुने? हाँ, एबॉर्शन अगर मेडिकली हो तो उसको एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आप शॉर्ट फॉर्म में बोले ना इसलिए, नहीं तो एक्चुअली मैं एनसीईआरटी यही यूज करता है इसीलिए नहीं बोलते एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी में भी बहुत सारे कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, इंडिया में भी लॉ है स्ट्रिक्ट है, इंडिया में फीमेल फर्टिसाइड को रोकने के लिए इसका बहुत सारा चेंजेस किया गया, लास्ट ईयर भी इसमें चेंज हुआ, इस साल भी इसमें चेंज हुआ एमटीपी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट का, 12th में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी बस एक इथिक्स से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि इथिक्स यहाँ आपको जानना था। तो इसमें क्या रूल है कि अगर मान लो फीटस, अगर फीटस ऑलमोस्ट 3 मंथ का है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी कितने मंथ का होता है ह्यूमन के? 9 मंथ। तो क्या बोलते हैं? वीक्स में बोलते हैं क्या? हाँ वीक्स में बोलते हैं, तो ठीक है, मतलब इस 9 मंथ प्रेगनेंसी टर्म दिए गेस्टेशन पीरियड, वेरी गुड, गेस्टेशन पीरियड, हाँ गेस्टेशन पीरियड को 3 ट्राइमेस्टर में काउंट करते हैं, 9 मंथ का टोटल 3 महीने में हम लोग काउंट करते हैं, पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इंडियन लॉ ये अलाउ करता है कि अगर प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो आप बिल्कुल बिना किसी हिचक के प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं एमटीपी के थ्रू, ऐसा लॉ आपको अलाउ करता है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाँ उस वक्त शर्त यह है कि आप ये पता नहीं किए हुए हो ये लड़का है या लड़की है, एक्चुअली 3 महीने से पहले तो ये पता भी नहीं चल सकता है, 3 महीने के बाद ही पता चलता है, इसीलिए 3 महीने तक तो एकदम आराम से लाओ, आपको जब मन तब आप कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट हर साल 50 मिलियन प्रेगनेंसी पूरे वर्ल्ड में अबॉर्ट किया जाता है एमटीपी के थ्रू, ये डाटा भी आपको याद रखना, 12th में लिखवाएंगे भी, ठीक है। खैर तो यहाँ पे बहुत सारा कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, इंडिया में एक लॉ, इसमें एक एडिशन ये भी है कि अगर फीटस में कोई एक एबनॉर्मेलिटी हो, कुछ ऐसा एबनॉर्मेलिटी हो जिसको डॉक्टर देखने के बाद ये बोल रहा है कि नहीं ये बच्चा जन्म ले भी लिया तो मर जाएगा, या फिर माँ ही मर जाएगी जो जन्म देगी, या फिर बच्चा जन्म तो ले लेगा माँ भी बच जाएगी लेकिन बच्चा बहुत सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम से गुजरेगा, तो वैसे केस में आप 2 डॉक्टर से अगर आप लिखवा रहे हैं, 2 डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आप 3 महीने के बाद भी, 3rd ट्राइमेस्टर के बाद भी उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे बात फिर से यही आता है कि आप अबॉर्ट करा सकते हैं, क्यों? वैसा जीवन दे के भी क्या फायदा जो बच्चा बेचारा जी ही नहीं पाए, मान लो उसको पैरालिसिस है या उसमें कोई जेनेटिक डिजॉर्डर है, बचपन से ही डायबिटिक, इस तरह का बहुत सारा बीमारी होता है जेनेटिक डिजॉर्डर जो माँ से या पेरेंट्स से बच्चों में आता है, तो
उन सीरियस डिसऑर्डर्स के केस में एमटीपी अलाउड है। बट हमको याद है एक शायद स्विट्जरलैंड था, कंट्री कौन था एग्जैक्टली कंट्री नहीं याद है, बट क्या इंसिडेंट था ये याद है, उस कंट्री में एबॉर्शन अलाउड नहीं था, उस कंट्री में एबॉर्शन अलाउड नहीं था। तो वहां हुआ यूं कि कोई एक सिस्टर थी वहां पे नर्स जो प्रेग्नेंट थी और उसका फीटस में एबनॉर्मेलिटी था, और इतना बुरा एबनॉर्मेलिटी था कि फीटस बेचारा फिफ्थ मंथ में ही डेड हो गया। लेकिन उसका हार्ट पंप कर रहा था, मतलब ये कि उसका ब्रेन डेड हो चुका था फीटस का, उसका सारा बॉडी का ऑर्गन अंदर में सड़ना शुरू हो चुका था मदर के वॉम्ब के अंदर, बट फिर भी उसका हार्ट पंप कर रहा था। कई बार आप सुने होंगे ना डेड बॉडी का भी हम लोग हार्ट या आई ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब कुछ समय तक वो काम तो करता है ना। Yes. उस फीटस में भी यही था, हार्ट पंप कर रहा था। अब डॉक्टर्स का सीधा सीधा कहना था कि चूंकि मदर के बॉडी के अंदर ही फीटस सड़ रहा है तो पूरे मदर के बॉडी में इन्फेक्शन ला सकता है और मदर का भी डेथ हो जाएगा, बट वो कंट्री में अबॉर्शन अलाउड ही नहीं था। उसका कहना यह था कि भाई अभी भी फीटस का हार्ट पंप कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से नहीं मरा, और जब तक उसका 100% डेथ नहीं हो सकता आप अबॉर्ट नहीं कर सकते। और फाइनली हुआ यूं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल का भी डेथ हो गया, अबॉर्शन नहीं हो पाया कितना भी कोशिश करने के बावजूद। तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा डिस्कशन शुरू हुआ था, इंडिया में भी। अभी हम आपको जो बताए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अलाउड है, फोर्थ से में थोड़ा दिक्कत करना शुरू करता है। इस केस के बाद इंडियन गवर्नमेंट भी अपने लॉ को और इजी किया कि नहीं, अगर एकदम माँ के डेथ पे आ जाए तो किसी भी कंडीशन में आप एबॉर्शन कर सकते हैं, कितना भी देर क्यों ना हो जाए, बस माँ का जान बचना चाहिए। इंडियन लॉ अब इतना अपने आप को सॉफ्ट कर चुका है, पहले ये नहीं था। तो ये भी इथिक्स है, देखो यहाँ इथिक्स ही बीच में आ रहा था कि आप जिंदा चीज को क्यों मार सकते हैं। उसका उस कंट्री का लॉ का ये कहना था कि माँ भी जिंदा है, वो बच्चा भी जिंदा है, हम एक को बचाने के लिए दूसरे को क्यों मारें, दोनों ही तो जिंदगी ही, दोनों को जीने का अधिकार है, जो बच्चा किस्मत से, मतलब हम ये ऐसा नहीं कर सकते कि माँ को बचाने के लिए बच्चे को मार दें, नहीं ये नहीं कर सकते, ये मेडिकल इथिक्स है। समझे इथिक्स कहाँ कहाँ आता है बीच में, समझे नहीं समझे? और इसी इथिक्स की वजह से ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं, मतलब ये कि मेरा ब्रेन अगर तुम में से किसी के अंदर भी ट्रांसप्लांट किया गया तो फिर तुम्हारा बॉडी क्या तुम्हारा बॉडी रहेगा, वो तो मेरा बॉडी बन जाएगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही तुम्हारा, क्योंकि मेरा ब्रेन तुम्हारे बॉडी में तो वो वैसे ही सोचेगा, समझ रहे हो बात, ये होता इथिक्स। तो इथिक्स बार बार बीच में आता है और इसी इथिक्स में से बहुत सारा काम होता है सर, वो इलीगल तब होता है अगर होता ही नहीं, होता ही नहीं। ब्रेन ट्रांसप्लांट करके क्या फायदा यार, जिसको बचाना चाह रहे हो बचेगा, मान लो तुम्हारे अंदर हम अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो तुम बचोगे कि बचेंगे हम ही, समझ रहे हो बात। चलो ठीक है, ठीक है, एक बार दोबारा मिलते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं और अगला सेशन में दोबारा जोड़ते हैं। हेलो।